हे गाइस, दिस साइड में जोसेफ चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा। टाइटल पे लिखा है कि कंटिन्यू बैक हैंड स्पिन टोटल वीडियो। सो गाइस, तो आज मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को कंटिन्यू बैक हैंड स्पिन वीडियो टोटल। तो अगर आपको भी अगर कंटिन्यू बैक हैंड स्पिन सीखना है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर रहना, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर जो भी नए भी वीडियो रहेंगे तो आप लोग देख सकते हो, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कंटिन्यू बैक हैंड स्विंग की ओर बढ़ने से पहले आपको एक सिंगल बैक हैंड स्विंग आनी बहुत जरूरी है। अगर आपको सिंगल बैक हैंड स्विंग आती है तो ही जाके आप कंटिन्यू बैक हैंड स्विंग कर पाते हो, और अगर आपको सिंगल बैक हैंड स्विंग नहीं आती है तो मैंने उसका टोटल वीडियो ऑलरेडी बना के रखा, तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे देता हूँ, तो आप जाके विजिट करना। तो करते हैं फिर स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले करते हैं एक सिंगल बैक हैंड स्विंग क्लीन वाली। सेकंड तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, आप फ्रंट रो लेके एक बैक हैंड स्विंग ट्राई करें, ताकि जो आपकी बैक हैंड स्विंग है वो थोड़ा क्लीन हो जाए। तो आपको कुछ ऐसा करना है, सो गाइज फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो अभी बारी है थर्ड की। थर्ड में आपको कुछ ऐसा बैक हैंड स्विंग करना है, सिंगल बैक हैंड स्विंग ओनली। कुछ देखो, मैं मतलब थर्ड में आपको कैसा करना है, जो आप बैक हैंड स्विंग करोगे, बैक हैंड स्विंग करने के बाद आपको कुछ ये पोजीशन में आनी है। अगर ये पोजीशन आते हो तो ही आपकी जो सेकेंड बैक हैंड स्विंग अच्छी जाएगी। तो करें, तो सेम आपको ये पोजीशन पे आना है, और यहाँ से फिर क्या करना है आपको, ट्राई करना है कि बैकवर्ड की ओर फेंके बिना डरे। अगर क्या होता है ना, जब अपन कंटिन्यू बैक हैंड स्विंग करते हैं उस टाइम में ना थोड़ा अपने को डर लगता है, तो कोशिश करना है कि अपने को बिना डरे पीछे साइड फेंके थोड़ा। तो गाइज, आपने थर्ड स्टेप देख लिए होंगे, तो बढ़ते फोर्थ स्टेप की ओर। फोर्थ स्टेप में आपको कुछ ऐसा करना है कि ट्राई करना है बैकवर्ड की ओर फेंकना है। अगर आप जब तक बैकवर्ड की ओर फेंकोगे नहीं, तब तक आपके कंटिन्यू बैक हैंड स्विंग नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करना है कि बैकवर्ड फेंके रुक के, ऐसा नहीं कि अपन कंटिन्यू एकदम से फेंकना है, ऐसा नहीं फेंकना। थोड़ा एक बैक हैंड स्विंग करना, विद इन सेकेंड का पॉज लेना, देन सेकेंड बैक हैंड स्विंग ट्राई करना। उससे क्या होगा, आपको एक आदत पड़ेगी, और आदत से क्या होगा, आपकी जो कंटिन्यू बैक हैंड स्विंग है वो अच्छी खासी सुधरनी चालू हो जाएगी। तो देखो ऐसा करना है, कुछ इस तरह से ट्राई करना है, तभी जाके आपका होगा। जैसे मैंने फर्स्ट बैक हैंड स्विंग किया, थोड़ा सा पॉज किया, देन हैंड को पुश करते हुए बैकवर्ड फेंका, तो ये हो गया सेकंड बैक हैंड स्विंग। तो आपको ये ऐसे कुछ नहीं किया, ऐसे कंटिन्यू 3 से 4 बैक हैंड स्विंग आपको ट्राई करना है। थोड़ा रुक रुक के 3 सेकंड का पॉज लेना है, और रुक रुक के थोड़ा आपको ट्राई करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर कोशिश करना है आपको कि थोड़ा जल्दी फेंको, जो अपना जो ये हाथ रहता है, अपनी जो बॉडी यहाँ पे पॉज हो जाती है। तो कोशिश करना है कि यहाँ से ये जाने के बजाय डायरेक्ट जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप की ओर। तो फिफ्थ स्टेप में आपको करना कुछ ऐसा है कि जो अपनी बॉडी थी वो अपन रुक रुक के फेंक रहे थे, कुछ ऐसी आई बॉडी, यहाँ से अपन हाथों को पुश करते हुए फेंक रहे थे सेकेंड हैंड बैक हैंड पे। पर अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है आपको, बिना हाथों को पुश करते हुए पीछे की ओर डायरेक्ट कोशिश करना है, डायरेक्ट हाथों को डालने की कोशिश करना है। जैसे अपने ये हाथ है तो अपन क्या करते हैं, बैकवर्ड लेके जाके पुश कर रहे थे, पर आपको ये चीज़ करने की जगह क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि थोड़ा सा हाथों को अपन डायरेक्ट फेंकने की ओर को, जैसे अपनी ये बॉडी आती है तो अपन यहाँ से डायरेक्ट जाने की कोशिश कर बैकवर्ड की ओर, तो ही जाके अपनी बैक हैंड स्प्रिंग में थोड़ा सुधार आएगा। तो कुछ ऐसा करना है आपको, थोड़ा सा तो कुछ ऐसा ट्राई करना है। गाइस, अभी सिक्स स्टेप में क्या करना है आपको, जो बैक हैंड स्प्रिंग करते हैं उसमें थोड़ा हाथों से पुश करना है, ठीक है। अगर पुश करते हो और उसमें थोड़ा पंप लेना आपको, कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, बैकवर्ड फेंकना है, डायरेक्ट ही जानी चाहिए बॉडी अभी,
जो अपन ये ऊपर गए तो इसमें क्या करना है अपने को, डायरेक्ट बैकवर्ड फेंकना है, ट्राई कर लेने का। और एक बार अगर अटेम्प्ट हो गया तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही बार अपने को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत रहती है। अगर एक बार अटेम्प्ट हो जाता है तो अपन आगे खुद ब खुद कर लेते हैं। तो कोशिश करना कि डायरेक्ट डालें कुछ ऐसा। तो गाइज अगर आपकी कंटिन्यू अगर दो बैक हैंड स्विंग हो जाती है तो आप कोशिश करिए कीजिए कि पाँच से छः बैक हैंड स्विंग बिना रुके आप ट्राई करें, बिना रुके, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपकी जो बैक हैंड स्विंग है उसमें सुधार आएगा। तो गाइज लास्ट स्टेप बता देना चाहता हूँ, जो अपन स्टैंडिंग बैक हैंड स्विंग करते हैं उसमें उतना पावर नहीं लग पाता, क्योंकि अपन उस जगह से करते हैं। अगर वही चीज़ अपन राउंड अप के साथ में कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पावर लगता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि राउंड अप के साथ में बैक हैंड स्प्रिंग ट्राई करने की, और राउंड अप के साथ में जब आप बैक हैंड स्प्रिंग ट्राई करते हो तो उसमें थोड़ा सा एक ज़्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं राउंड अप में थोड़ा सा एक रनिंग लेते हैं, और रनिंग के बाद अपन बैक हैंड स्प्रिंग ट्राई करेंगे तो ज़्यादा पावर लगे। तो इससे क्या होंगे, आपकी और ज़्यादा बैक हैंड स्प्रिंग सुधरेंगे। तो सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।